नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे एफिलिएट के बारे में कि एफिलिएट अकाउंट जो है वो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हमें किस तरह से भरनी है। सो दोस्तों, इसको क्रिएट करने के लिए लेके चलता हूं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के जो है और देख क्रिएट कर प्रैक्टिकली उसको क्रिएट करके देखेंगे और उसके बाद जो है आप भी अपना जो है एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर ले ताकि जो है जिस तरह से हम भी आगे बढ़ेंगे और इसमें काफी अच्छा जो है पैसा कमाएंगे उस तरह से आप भी अपना पैसा कमा सके। सो दोस्तों, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हमारा चैनल है बिजनेस आइडियाज बाय मंजीत सिंह। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना टाइम वेस्ट के चलिए आगे बढ़ते हैं। नया टैब खोलते हैं और यहाँ पे हम जो है गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हमें जाके लिखना है affiliate.amazon करके एंटर करेंगे और जो है पहले नंबर पे हमें जो ये एफिलिएट प्रोग्राम का जो लिंक है वो हमें मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो हम जो है इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान है इस एफिलिएट मार्केटिंग को करना। यहाँ पे आपको तीन स्टेप होते हैं। पहला है ज्वाइन, जो कि है बिल्कुल भी फ्री, इसमें कोई भी फीस वगैरह आपको लगती नहीं है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अमेज़न के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आपको उन प्रोडक्ट्स को मार्केट करना है, एडवर्टाइज करना है, चाहे वो अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए करें या फिर आप सोशल मीडिया पे उसको डाल के करें, अपनी वेबसाइट से करें, जैसे भी करें आप उनको प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली उस पर जो है कुछ खरीदारी होगी, उस खरीदारी का जो है आपको कमीशन मिलने वाला है, जो कि आप 12% तक जो है उसका कमीशन आपको मिल सकता है। कौन सी कैटेगरी पे कितना आपको परसेंटेज मिलेगा वो आप एडवर्टाइजमेंट ये फीस जो है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जो आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी इस तरफ है और यहाँ पे लिखा गया है उसका कमीशन कि कौन सी कैटेगरी के ऊपर आपको कितना परसेंटेज यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम टू टाइम ये जो ऊपर की कमीशन रेट्स हैं ये वेरी करते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। सो इसके बाद जो है आपको सीधा यहाँ पे ज्वाइन फॉर फ्री पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप जो है एक नए पेज पे आ जाएंगे जो कि है ये। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले से मेरा एक जो आईडी है वो लॉगिन करके रखा हुआ है। अब इसके बाद जैसे ही आप उसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आगे बढ़ेंगे तो आप जो है इस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेई का नाम लिखना है। पेई का नाम ये वो नाम डालें जो आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम है। तो चलिए मैं मेरा नाम डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एड्रेस आपको लिख देना है, प्रॉपर जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको लिखने के बाद आपको आगे बढ़ना है, सिटी डालनी है तो मैं सिटी भी डाल देता हूँ, स्टेट डालनी है, स्टेट के बाद आपको जो है आपका पोस्टल कोड डालना है और पोस्टल कोड डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको जो है अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो जो ऊपर नाम दिया गया है वही है या फिर कोई और इस अकाउंट को मैनेज करने वाला है। तो अगर आप खुद ही मैनेज करने वाले हो तो आप पहला जो ऑप्शन सेलेक्टेड है द पे लिस्टेड अबव जो है उसको सेलेक्टेड रहने दें। अगर कोई और आपके इस अकाउंट को मैनेज करने वाला तो आपको समवन एल्स पे क्लिक करना है और उसका कॉन्टैक्ट का पर्सन का नाम, उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो हम जो है खुद ही करने वाले हैं, द पे लिस्टेड अबव पे टिक रहने देते हैं। उसके बाद जो है फील्ड वो है फॉर यूएस टैक्स पर्पस, तो ये हम यूएस के अंदर नहीं रहते हैं तो हम जो है इसको नो कर देंगे। अगर यूएस के अंदर है तो हम यस करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे करने के बाद आपको जो है करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपके सामने ओरिजिनल एड्रेस और आपका सजेस्टेड एड्रेस जो है वो आपको दिखाया जाएगा। तो आप जो है दोनों में से जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, आपकी वेबसाइट जिस पे आप जो है क्या करने वाले हो, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हो, तो उस वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पे डालना है। तो हम जो है हमारी वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं securetechforyou.com डाल के और इसको कर देते हैं ऐड। और ऐड करने के बाद अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है तो आप ऐप का भी डाल सकते हैं। और करने के बाद जो है आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए।
तो हमने जो है नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपके प्रोफाइल से व्हाट इज योर प्रिफर्ड एसोसिएट स्टोर कोड, आपका स्टोर कोड का जो है वो आप क्या चाहते हैं, तो आप एक अपना नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है सिक्योर टेक फॉर यू लिख देता हूँ। अब उसके बाद वो अपने आप ही देख लेंगे कि क्या करना है। योर वेबसाइट लिस्ट का उसका आपने जो नाम डाला था, यूआरएल डाला था, वो आ गया है। उसके बाद आपके जो वेबसाइट है उसके रिलेटेड आपको बताना है व्हाट आर योर वेबसाइट, मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्निकल, ठीक है, और टेक्निकली अभी लिख के इसको आगे करते हैं। आप अपना पूरा डिटेल डालना चाहते हैं तो डिटेल डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट। तो आप जो है उसमें से टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा टॉपिक कैटेगरी है जो आपके इस वेबसाइट को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सेकंड कैटेगरी क्या होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो हम जो है सेकंड कैटेगरी के अंदर भी सेम चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप उस पर क्या क्या सेल करने वाले हैं, बुक्स करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक करने वाले हैं, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक करेंगे, मूवी म्यूजिक गेम्स करना चाहते हैं आप, क्लोथ करना चाहते हैं, ग्रॉसरी टॉयज एंड कंप्यूटर एंड ऑफिस होम एंड गार्डन, इनमें से जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो आप नहीं करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास है व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट जो है वो किस टाइप की है, यानी कि वो कोई शॉपिंग है या फिर वो कंटेंट और निच जो है आपकी वेबसाइट का डील है, कैसा है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि कूपन वगैरह लेते हैं, कंटेंट है। तो हम जो है कंटेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे उसका सेकेंडरी कैटेगरी जो है वो आपको यहाँ पे वापस से सेलेक्ट करनी है। तो हम जो वापस से वही सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है ट्रैफिक एंड मोनेटाइज, हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट जो आपने ऊपर दी गई है उस वेबसाइट को जो है किस तरह से आप उस पर ट्रैफिक लेके आते हैं, और आप पेड पे लाते हैं, ईमेल से लाते हैं, शॉपिंग पोर्टल से लाते हैं, ऑफलाइन पे लाते हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट से लाते हैं, सोशल नेटवर्क से लाते हैं, फोरम से लाते हैं, SEO से लाते हैं, ब्लॉग से लाते हैं, या फिर लीड जनरेशन, जो भी आपका है आप उसको सेलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड एप्स टू जनरेट इनकम, आपकी वेबसाइट जो है उसको किस तरह से आप यूटिलाइज करते हैं काय के लिए, इनकम के लिए। तो हमें जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी एफिलिएशन नेटवर्क के जरिए, यहाँ पर भी हम वही सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जो है अपना डिज़ायर जो भी आपके लिए अवेलेबल है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हाउ डू यू यूजली बिल्ड लिंक, जो लिंक है वो किस तरह से आप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से, HTML एडिटर से, मैनुअल वाया टेक्स्ट एडिटर या फिर अदर। तो हम जो है यहाँ पे CMS कर देते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टोटल यूनिक विजिटर डू यू हैव योर ऑन वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने यूनिक विजिटर जो है आपके पर मंथ जो है आपको आते हैं। तो आपका जो भी है आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, 500 से 5000, 5000 से 50000, और या फिर 50000 से 500000, या फिर 500000 से ज़्यादा। तो जो है आप इसको कर सकते हैं सेलेक्ट जो भी आपके उसका है। तो हम जो है 50000 से जो है 500000 के बीच का सेलेक्ट कर लेते हैं। विच इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर ज्वाइनिंग एफिलिएट प्रोग्राम, आप एफिलिएट प्रोग्राम अमेज़ॉन का क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, टू मोनेटाइज माई वेबसाइट, तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, या फिर अगर कोई और रीज़न है तो आप जो है अदर लिख के उस पर रीज़न भर सकते हैं। How do you hear about this? आपको इस Amazon के affiliate program के बारे में कैसे पता चला, ठीक है, from the Amazon site, online search या फिर word of mouth? तो हम जो है online search के select कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक security question है तो उसको जो है हम यहाँ पर लिखना है। हम जो है एक बार इसको different कर लेते हैं, ठीक है, अभी हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर enter F4FXXPY, ठीक है। अब इसके बाद आपको आई एग्री करना है और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। तो ये जो है हम देख सकते हैं हमारा जो
अकाउंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मनजीत सिंह, आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है और हमें जो एक यूनिक एसोसिएट आईडी दी गई है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप एंटर करना चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं अपनी, आपकी जो पेमेंट और टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो आप अभी करना चाहते हैं तो आप नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर बाद में करना चाहते हैं अपडेट तो आप जो है लेटर पे क्लिक करके अपना जो एसोसिएट अकाउंट है उसके अंदर जो है आप लॉगिन कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो है डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ आपका अर्निंग्स वगैरह जो हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगी, इस तरफ आपका कितना ट्रैफिक का क्लिकिंग आ रहा है आप वो देख सकते हैं, कितनी आइटम जो है शिप हुई हैं और कितना आपका टोटल अर्निंग हुई है और टोटल ओवरऑल ऑर्डर कितने प्लेस हुए हैं, कितने क्लिक हुए हैं, कन्वर्जन रेशियो क्या है, वो सारी डिटेल आपको जो है फॉर दिस मंथ जो है पिछले जो आपका करंट मंथ होगा उसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल दिखती रहेगी। सो दोस्तों अभी इसके आगे क्या क्या करना है, किस तरह से बढ़ना है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो दोस्तों आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एफिलिएट का अकाउंट जो है क्रिएट करते हैं और क्या क्या डिटेल्स हमें भरनी पड़ती हैं। सो दोस्तों अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिखना ना भूले। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।